हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे, साथ में अपनों का भी ख्याल रख रहे होंगे। और आज है 11 तारीख, छठ बीत चुका है। छठ का पढ़ना था 8 तारीख को, और इस बार का छठ मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। मतलब मैंने बहुत इन्जॉय किया, हालाँकि मैंने छठ किया नहीं था, पर मैंने बहुत इन्जॉय किया। मुझे बहुत अच्छा लगा छठ में शामिल होकर, क्योंकि जब हम लोग गांव में रहते थे ना, मतलब जब मैं 7-8 साल की रही होंगी, तो हम लोग 1.5-2 साल के लिए गांव में रुके थे, क्योंकि पापा पहले ही सार में सर्विस करते थे, वहां पे उनकी जॉब थी। और जब वहां से आए तो फिर गुजरात शिफ्ट हुए, पापा मतलब गुजरात आए। और ऐसा होता है ना कि जब तक जैसे वो सेट नहीं हो गए, जब तक हमको वहाँ गाँव में रहना पड़ा 1.5-2 साल तक। बड़े पापा थे उस टाइम में, अभी हमारे साथ मतलब इस दुनिया में नहीं है बड़े पापा, तो उस टाइम में थे। तो हम लोग बहुत मस्ती भी करते थे। आप समझ लो कि जैसे कि मैंने बताया कि 7-8 साल की मैं रही होंगी, पर धुंधली धुंधली जो मेमोरी है ना, वो रह जाती है इतने बड़े बच्चे की। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता था गाँव में, और सब बच्चे बच्चे थे, मतलब बड़े पापा के बच्चे थे, हम लोग थे, तो काफ़ी अच्छा भी लगता था। लेकिन उसके बाद में फिर 1.5-2 साल के बाद में पापा यहाँ सेट हो गए, और उसके बाद में फिर हम लोग भी आ गए यहाँ, गुजरात शिफ्ट हो गए। तो तब से हम लोग गुजरात में ही रह रहे हैं, मतलब सिटी चेंज होती रहती है, पर गुजरात में ही रह रहे हैं। तो इतने अच्छे से मैंने छठ नहीं देखा था जब मैं गांव में 1.5-2 साल के लिए थी, तब मैंने देखा था। हालाँकि मैं बच्ची ही थी उस टाइम में, तो जब घाट पे सब जाते थे, और गांव का तो माहौल भी अलग होता है ना, क्योंकि वहाँ का बिहार का ही छठ है, मतलब बिहार में ही ये लोग करते हैं, तो वहाँ पे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, बहुत अच्छे से ये व्रत को करते हैं। हालांकि जो बिहार के हैं वो कहीं भी रहते हैं, तो उसी रीति रिवाज से, उसी विधि विधान के साथ में करते हैं। पर एक होता है ना कि जहाँ की जो चीज़ें होती हैं वहाँ पे वो चीज़ ज़्यादा पता लगता है, तो इस तरीके का। पर यहाँ पे भी जैसे गुजरात में भी जो बिहार के हैं, तो वो लोग बहुत अच्छे से छठ करते हैं। और 3 साल तो मम्मी थी ही नहीं यहाँ पे, मतलब गांव में थी, कुछ काम था उनको, तो गांव में थी, और 3 साल से गांव में ही छठ कर रही थी। और अभी तक तो मम्मी अकेले छठ कर रही थी, पर इस बार भाभी लोगों ने भी किया, तो घर में 3-3 जो व्रत करने वाले हों, तो आप समझ सकते हो कि उस घर का माहौल कितना मतलब अच्छा होगा। तो ये चीज़ें थी, और काफ़ी अच्छा लगा। और इस बार घाट पे जाके मुझे काफ़ी अच्छा लगा, जैसा कि मैंने बताया कि 3 साल तक मम्मी थी नहीं, और उससे पहले जब छठ मतलब हुआ था, तो मम्मी ज़्यादातर क्या करते थे ना, कि जब अकेले थे तो छत पे भी करते हैं, पता है, छत में टब में पानी रख के, और उस तरीके से भी कर लेते हैं अगर कहीं नहीं जा पाते तो उस तरीके से भी कर लेती थी। और एक बार रिवर फ्रंट गए थे, तो वहाँ उस टाइम अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं जा पाई थी, रीज़न बस यही था जो लेडीज़ का रीज़न होता है, तो इस वजह से मैं नहीं गई थी, नहीं शामिल हो पाई थी। मैं घाट पे भी नहीं गई थी, मैं बोली मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैं नहीं गई थी। तो आप समझ सकते हो कि 7-8 साल की जब मैं थी, तब का मैंने इतने अच्छे से छठ देखा था, और फिर 30 साल मैंने देखा, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और मुझे एक्चुअली कुछ बात करनी है आप लोगों से। देखो, ऐसे टॉपिक पे मैं बात करना नहीं चाहती हूँ, और आप लोगों ने देखा होगा कि भले मेरे कम वीडियो आते हैं, बहुत ही कम वीडियो मैं बना रही हूँ आजकल, लेकिन मैं ऐसे टॉपिक पे बात नहीं करती हूँ। सोशल मीडिया पे काफ़ी कुछ चलता रहता है, आप लोगों को भी पता है, आप सभी देखते हैं यूट्यूब, आप सब लोग लगभग देखते हैं, तो सबको सब कुछ पता ही होता है। लेकिन मैं आज जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, क्योंकि इसलिए मैं इस टॉपिक पे बात कर रही हूँ कि जिसकी मैं बात करने वाली हूँ उनको मैं बहुत पसंद करती हूँ, और उनकी वजह से ही मैं वीडियो देखती हूँ, आप समझ सकते हो। तो उनकी वजह से ही मैं उनका ब्लॉग देखती हूँ, उनकी वीडियो देखती हूँ। मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ मिस्टर राज सचिन मनीषा चैनल के बारे में, और मैं बात करने वाली हूँ मनीषा के बारे में, क्योंकि कल उनका एक वीडियो आया है, जिस वीडियो में उन्होंने लगभग जो उन्होंने 1.5 साल में झेला है, पिछले 1.5 साल में जो झेला है, उन सारी चीज़ों पे बात करी है। हालांकि खुल के तो अभी भी कुछ भी नहीं बताया है, पर जितना उन्होंने बताया, तो वो उनको बहुत पहले बता देना चाहिए था, पर ठीक है, अभी उन्होंने हिम्मत दिखाई,
जो चीज़ें उन्होंने 1.5 साल से अपने अंदर दबा के रखी थी, आप समझ सकते हो। मतलब उनकी परवरिश कितनी अच्छी है, उनके संस्कार कितने अच्छे हैं। ये बातें जो पति पत्नी के बीच की बातें होती हैं और किसी तीसरे की वजह से सारी चीज़ें उलझी हों, सारी चीज़ें खराब हुई हों, और ऐसे एकदम आप समझ सकते हो। बीच में आप सबने वीडियो देखा भी होगा राज सचिन मनीषा का, कि डिवोर्स तक भी बात पहुंच गई थी, जो कि मनीषा ने अपने वीडियो में भी बताया कि इस हद तक चीज़ें खराब हो गई थी कि डिवोर्स तक बात पहुंच गई थी किसी तीसरी की वजह से। और कौन वो तीसरी कौन है मुझे नहीं लग रहा है कि मुझे बताने की ज़रूरत है, फिर भी मैं बताना चाहूँगी। जिनका अभी हाल फिलहाल में एंगेजमेंट हुआ है, जो कि सती सावित्री का चोला पहन के आई थी, नकाब पहन के आई थी सोशल मीडिया पे, और लोगों को अच्छे से बेवकूफ़ बनाया। उन्होंने समझ लिया, ऑडियंस क्या है, जो उनकी चॉइस है, जो उनका माइंड है, उनको अच्छे से समझ लिया, और उन्होंने ये समझ लिया कि किस तरीके से बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ नेहा आशीष तिवारी के बारे में, ठीक है, क्योंकि अभी ये सब कुछ ओपन हो चुका है। और कहीं ना कहीं मैं उनको काफ़ी टाइम से नहीं पसंद करती हूँ, क्योंकि जिस तरीके से नेहा आशीष तिवारी अपनी, मतलब मैं ये जानना चाहती हूँ ऑडियंस से कि सारे ऑडियंस जो हैं, जो देखने वाले हैं नेहा आशीष तिवारी को, जो देखने वाले हैं, सब क्या भोले हैं? उनके पास दिमाग नहीं है खुद से सोचने के लिए कि जो वो कहती हैं, जो वो करती हैं, उसमें कितनी सच्चाई है? क्योंकि उनकी वजह से ही मनीषा की ज़िंदगी में उथल पुथल मची हुई है, उनके मतलब सुख चैन छीन गए हैं। आप समझ सकते हो कि जब उसका पति ही उसके अगेंस्ट हो जाए, उसके बात ना माने, और सिर्फ किसी औरत की वजह से किसी औरत की वजह से। मनीषा ने बताया कि उसके पति को मना किया जाता था कि आप अपनी पत्नी के साथ में रील्स मत बनाओ, अपने पत्नी के साथ में वीडियोस मत बनाओ। और मैं भी अपने जो अभी एंगेजमेंट हुई है, तो अपने पति के साथ में मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी, रील्स नहीं बनाऊंगी। तो इस तरीके से मतलब नेहा आशीष तिवारी सचिन को मना करती थी कि आप अपने पत्नी के साथ में वीडियो मत बनाओ, अपने पत्नी के साथ में वीडियो मत आओ इस तरीके से, और बार 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 फ़ोन करना। हालांकि कई सारे शॉर्ट वीडियो मैंने भी देखे जो कहीं से भी नहीं लगता है कि भाई बहन का रिश्ता है ये, और इन्होंने भाई बहन के रिश्ते को भी तार तार कर दिया। मतलब भाई बहन के रिश्ते को एकदम धज्जियाँ उड़ा दी इस रिश्ते की नाम को भी। और मतलब क्या ही बोला जाए, मतलब आप समझ सकते हो कि कोई किसी पे कैसे भरोसा करेगा, है ना। मतलब इनके खुद का भी भाई है ना, पर जैसे ये सचिन के गले लग के रोती हैं, जैसे ये चिपक के रोती हैं कि इनके सो कॉल्ड भाई को अपने से अलग करना पड़ता है। आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो जो वीडियो मैंने देखा है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में रख दूंगी, तो आप देख लेना अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो। और गाने भी गाए जाते हैं फंक्शन पार्टी में, 2-4 ऐसी मुलाकातें होंगी, सारे जमाने में बातें होंगी। आप समझो, भाई बहन अगर रील बनाते भी हैं, वीडियो बनाते भी हैं, तो ऐसे गाने पे कौन रील बनाता है भाई? ऐसे वीडियो पे, ऐसे गाने पे कौन वीडियो बनाता है, मुझे ये बताएगा कोई? अगर भाई बहन का रिश्ता है, भाई आपने माना है, भाई ने आपको बहन माना है, तो आप गाने भी ऐसे ही सेलेक्ट करें ना। रोमांटिक गाने पे भाई बहन रील बनाए, वीडियो बनाए, तो वो कहीं ना कहीं दिल की बातें जब पे आना आप वो कह सकते हो। और दाद देना चाहूँगी मैं मनीषा को कि मतलब जैसा कि मैंने बताया कि उसकी परवरिश बहुत अच्छे तरीके से हुई है, बहुत संस्कारी घर की लड़की है मनीषा। 1.5 साल तक इन सारी चीज़ों को अपने अंदर दबा के रखना और कुछ ना कहना, हालांकि कई बार कम्युनिटी भी डाला कि मैं लाइव आऊँगी और सब कुछ क्लियर करूँगी, सब कुछ साफ साफ बता दूँगी, पर कई बार क्या होता है ना कि हम सोचते कुछ और हैं, फिर हमारे माइंड में ये चलता रहता है कि ससुराल, मायका, सब कुछ चलता रहता है। देखो, एक लड़की के माइंड में ना बहुत कुछ चलता है, काफ़ी कम लड़के। अब नेहा आशीष तिवारी के माइंड में कुछ नहीं चल रहा था, इनके माइंड में ऐसा ही चल रहा था ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाओ और बस
तोड़ो मरोड़ो इनको, मतलब बहुत कुछ इन्होंने ऑडियंस के इमोशंस के साथ में खेला है, उनके बहुत बहुत गंदा किया है इन्होंने, बहुत गंदा किया, सब लोगों के साथ में गंदा किया इन लोगों ने। तो इन्होंने जो किया है नेहा आशीष तिवारी ने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया है। और जैसा कि मैंने बताया कि एक लड़की अपने मायका ससुराल के बारे में बहुत कुछ सोचती है तब जाकर कोई डिसीजन लेती है, इसलिए मनीषा ने कई बार मतलब कम्युनिटी डाला कि मैं लाइव आऊँगी सब कुछ बताऊँगी, पर उन्होंने बताया नहीं। लाइव आई भी थी, मैंने देखा भी था उनका लाइव, और काफ़ी लोगों ने कमेंट भी किया कि जो कहने आए थे वो तो कह नहीं रहे हो, बस इधर उधर घुमा रहे हो। वो लाइव आप लोगों ने भी देखा होगा, पर वो घुमा सही में जानबूझ के ही रही थी, क्योंकि उन्होंने बोला था, वादा किया था कि मैं लाइव आऊँगी, आ गई, पर उनकी हिम्मत नहीं हुई, या फिर ये बोलिए कि उन्होंने बहुत कुछ सोचा और सारी चीज़ें नहीं बताईं। सारी चीज़ें क्या, उन तो उस टॉपिक पे बात ही नहीं करी, बस उन्होंने ये बोला कि मेरा मन हुआ कि मैं जो प्रोफाइल फ़ोटो था उसे चेंज करूं, मैंने चेंज कर दिया, बस मेरा मन था कि मैं चेंज करूं, थोड़ा सा अलग मुझे कुछ लगाना था, बस ये बताया था, और इसके अलावा कुछ नहीं बताया था। पर कल के वीडियो में जो उन्होंने बताया है वो भी मुझे लगता है कि 100% बातें तो नहीं बताई हैं, क्योंकि जहाँ पे उनको ऐसा लग रहा था कि जहाँ मतलब वो कोशिश कर रही थी वो सारी चीज़ें बताने की, वो चुप हो जा रही थी, और उनको देख के ऐसा लग रहा था कि शायद उनकी आंखों के सामने वो सारी चीज़ें फिर से दिख रही हैं। होता है जो इंसान देखा होता है ना अपने लाइफ में, तो वो चीज़ें उस टॉपिक पे बात करने में ऐसा लगता है कि वो चीज़ें फिर से ही उनके सामने हो रही हैं, तो वो रीज़न भी रहा होगा कि एकदम से बोलते बोलते चुप हो जा रही थी। आप लोगों ने कल का वीडियो देखा होगा मनीषा का, कि वो कई ऐसे टॉपिक पे बोलते बोलते चुप हो जा रही थी, नहीं बोल पा रही थी, तो आप समझ सकते हो कि क्या कुछ उन्होंने देखा होगा। ट्रेन की आवाज़ आ रही है तो इसलिए मैं चुप हो गई। तो को देखो, सबसे बड़ी बात यह है ना कि अगर आपका खुद का भाई है ना, तो आप किसी भी बाहर वाले मुंह बोले भाई से, हम लोग ऐसा बोलते हैं मुंह बोला रिश्ता, यानी जो बनाए हुए रिश्ते हैं उसको हम बोलते हैं मुंह बोला रिश्ता। मैं ये मान सकती हूँ कि चलो अगर खुद का भाई नहीं हूँ, मतलब शुरू से ही जैसे कि एक बहन है, दो बहनें हैं और उनके लाइफ में भाई है ही नहीं, शुरू से ही नहीं है, तो भी इतना अटैचमेंट तो किसी मुंह बोले भाई के साथ में नहीं होता है। जैसे बोलते हैं ना मुंह बोला रिश्ता, तो मुंह बोले भाई के साथ में इतना अटैचमेंट तो नहीं होता है कि गले पकड़ के रो और एकदम चिपक जाओ, तो ऐसा वाला तो नहीं होता है। और आपके तो भाई हैं नेहा आशीष तिवारी जी, और काफ़ी आपको सपोर्ट भी करते हैं जैसा कि वीडियो में दिखता है, आपका परिवार जो है आपको काफ़ी सपोर्ट करता है। जिसका खुद का भाई हो और वो भी इतना ज़्यादा सपोर्टिव हो और आपके हर काम में वो सपोर्ट करता हो, और उसके बाद आप मतलब इस तरीके से मुंह बोले भाई के साथ में चिपक के गले लग के रो रहे हो उसके जाने से, आपको इतना ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। ये ऑडियंस बेवकूफ़ नहीं है जो नहीं देख पा रही हैं और नहीं समझ पा रही हैं, पर ये चीज़ था कि हाँ उनके घर वालों ने कभी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया, मतलब एक्सेप्ट नहीं किया मीन्स कि कैमरे के सामने आके एक्सेप्ट नहीं किया, बाकी तो उनको पता ही था सच्चाई क्या है, पर कैमरे के सामने आके उनकी फैमिली मेम्बर ने कुछ भी नहीं बोला इस विषय में कि क्या कुछ है क्या कुछ नहीं है। इनफैक्ट मनीषा ने भी नहीं बताया कुछ भी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ऐसा होता है ना कि कहीं ना कहीं सोचते रहते हैं कि सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, और सोशल मीडिया पे एक बार जो चीज़ें आ जाती हैं वो समझ सकते हो कि हमेशा के लिए रह जाती हैं। तो इसीलिए मनीषा ने सोचा होगा कि चलो अपने तरफ से कोशिश करते हैं और सारी चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करते हैं, हो सकता है सारी चीज़ें ठीक हो जाएँ और हमसे हमारे परिवार के जरिए हमारे परिवार के थ्रू ये सारी बातें बाहर ना जाएँ। और जब आपके फैमिली मेम्बर इन सब चीज़ों पर बात नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं गुंजाइश बचती है कि आप कवर कर सको, जो बातें लोगों को दिख रही हैं उसे ढक सको, उसे संवार सको, तो वो गुंजाइश बच जाती है। तो इसीलिए भी शायद मनीषा ने इस टॉपिक पर बात नहीं करी थी, पर अब उनको ऐसा लगा कि हाँ इस टॉपिक पर बात करनी चाहिए, तो वो कैमरे के सामने आके और बोली हैं। जैसा कि मैंने बताया कि 100% तो अभी भी उन्होंने नहीं बताया है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि बोलते बोलते रुक जा रही थी, तो उससे ये पता लगता है कि काफ़ी कुछ वो अभी भी अपने अंदर दबाए बैठी हैं, छुपाए बैठी हैं, अभी भी वो सारी बातें तो ऑडियंस को नहीं बताई हैं। और मैं बात करूँ नेहा आशीष तिवारी के बारे में, तो इन्होंने हमेशा से ही ऑडियंस को उल्लू बनाया है, बेवकूफ़ बनाया है, उनके माइंड के साथ में खेला है, उनके इमोशंस के साथ में खेला है,
नेहा आशीष तिवारी को मैं कभी पसंद करती ही नहीं थी, और इनका वीडियो मैंने देखना शुरू किया। सजेशन में इनका एक वीडियो आया जो कि इनकी स्टूडेंट कोई मिलने आई थी, और उस टाइम उन्होंने वीडियो बनाया था, तो तब से मैं इनको देखती हूँ। मतलब हर वीडियो नहीं देखती पर देखती थी। और इन्होंने अपने परिवार वालों, ससुराल के परिवार जो है उनका, जो ससुराल जबलपुर इनका ससुराल है, अपने ससुराल वालों को भला बुरा बोला, क्या कुछ नहीं कहा। उनके आड़ में कुछ दिन तक इनके वीडियो बनते रहे, उसके बाद में आशीष जी के नाम पे इनके वीडियो बनते रहे और चलते रहे, और उसके बाद में ऐसा हुआ वैसा हुआ, पता नहीं क्या कुछ। बहुत बड़ी कलाकार हैं नेहा आशीष तिवारी, बहुत बड़ी एक्ट्रेस हैं, मतलब मैं क्या ही बोलूँ, बहुत बड़ी एक्ट्रेस हैं ये। जैसा जो 1.5 साल में हुआ है, आप लोगों ने कभी इनके चेहरे को देख के, इनके वीडियो को देख के, इनके ब्लॉग को देख के अंदाज़ा नहीं लगाया होगा कि ऐसा भी हुआ होगा। हालांकि जो इनके शॉर्ट वीडियो होते थे, जो रील्स होते थे, वो गानों को देख के हमने थोड़ा बहुत तो आइडिया लगा ही लिया था कि भाई बहन के रिश्ते में ऐसे गाने नहीं होते हैं, ये गाने सिर्फ जो कपल होते हैं वही बनाते हैं, इस गाने पे परफॉर्म करते हैं, रील बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं, तो सिर्फ कपल ही बनाते हैं, भाई बहन नहीं बनाते, खुद के भाई बहन भी नहीं बनाते, ये तो मुंह बोले भाई थे। तो आप सब समझ सकते हो कि कितनी बड़ी कलाकार हैं नेहा आशीष तिवारी, कि सबके इमोशंस के साथ में खेलती रही हैं ये पिछले कई सालों से, और सबको गुमराह करती रही हैं, मतलब बेवकूफ़ बनाती रही हैं। और कुछ दिन जैसा मैंने बताया कि ससुराल के नाम पे वीडियो चलाया, उसके बाद में आशीष जी के नाम पे वीडियो चलाया कि मेरे साथ अन्याय हुआ, अन्याय नहीं हुआ, मेरे को इंसाफ नहीं मिला, ये हुआ वो हुआ, पता नहीं क्या क्या हुआ, सब कुछ सबने देखा है और सबको ही पता है। और उसके बाद में फिर इनका ये कहना कि आशीष जी खुश होते हैं तो बारिश होती है, मतलब इसलिए मैंने शुरू में बोला कि जो इनको देखते हैं सब भोले हैं क्या, इनके ऑडियंस जो भी इनको देखते हैं, जो पसंद करते हैं, जो इतने भर भर के लाइक देते हैं और इतने तादाद में इनके व्यूज़ जाते हैं, तो सब देखने वाले जो हैं, मतलब उनके पास दिमाग नहीं है कि इतना। अब चलो वीडियो देख भी लेते हो एक बार, हम क्या होता है ना कि वीडियो इसलिए भी देखते हैं कि इनके वीडियो में है क्या, ठीक है इसलिए भी हम वीडियो देखते हैं, पर लाइक देना यानी आप उस बात से सहमत करते हो, आप उस बात से मतलब कहीं ना कहीं सहमति रखते हो तभी आप लाइक करते हो। अगले को तो यही लगेगा ना, अगला जब भर भर के उसको लाइक मिल रहा है, भर भर के व्यूज़ जा रहे हैं, तो वो इंसान समझ गया कि भाई ऑडियंस क्या देखना चाहती है और किस तरीके से ऑडियंस को गुमराह किया जाता है, किस तरीके से कर सकते हैं, किस तरह से गुमराह हो सकते हैं ऑडियंस जो उनके व्यूअर्स हैं देखने वाले। तो बस टॉपिक उन्होंने आप देखना कि जितने भी उनके इस तरीके के टॉपिक हैं और इस तरीके का थंबनेल है, वो वीडियो काफ़ी अच्छे चले हैं। और ये सारे ड्रामे करना कि जैसे मैंने बताया कि आशीष जी खुश होते हैं तो बारिश होती है मुझे इस बात पर हंसी आ रही है, इसलिए कि अगर आशीष जी आप पे खुश हैं तो आपके ऊपर ही बारिश होनी चाहिए। ज़्यादा खुश हो गए अगर आशीष जी तो आपके छत के ऊपर बारिश होनी चाहिए, आपके परिवार के ऊपर ज़्यादा खुश हो गए आशीष जी तो आपके छत के ऊपर बारिश होनी चाहिए, ना कि पूरे सिटी में बारिश हो। मतलब आप समझ सकते हो क्या लॉजिक है यार, क्या लॉजिक है, और देखने वाले भी भर भर के लाइक दे रहे हैं, ठीक है मतलब क्या ही बोला जाए। और उसके बाद में उनके भाई के शादी में पायल को पहनने को लेके इतना बड़ा हंगामा हुआ, हालांकि देखो जिसके पति नहीं है दुनिया में वो लोग भी पायल पहनते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो पायल नहीं पहन सकते हैं। मैं मोबाइल को यहाँ रखूँगी फिर बात करूँगी क्योंकि मोबाइल बहुत ज़्यादा हिल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि जिसके पति नहीं है वो पायल नहीं पहन सकते, और मतलब देखो दो तीन चीज़ें होती हैं, ठीक है, सुहाग की निशानी जो होती है ना, तीन चीज़ें होती हैं, एक सिंदूर होता है और दूसरा होता है मंगलसूत्र और तीसरा होता है बिछुआ, जो कि उंगलियों में पहना जाता है का, मतलब सब लोगों को पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि बिछुआ, सिंदूर और मंगलसूत्र ये तीन चीज़ें होती हैं सुहाग की निशानी। बाकी जिसके पति नहीं हैं वो ऐसा नहीं है कि कड़ा नहीं पहन सकते, पायल नहीं पहन सकते, चूड़ मतलब वो गले में कुछ नहीं पहन सकते, मंगलसूत्र नहीं पहन सकते, बाकी सारी चीज़ें पहन सकते हैं। तो आपने पायल को पहनने को लेकर इतना बड़ा हंगामा किया, ड्रामा किया मुझे तो इस बात पर हंसी आ रही है कसम से, और वो वीडियो भी अच्छा खासा चला, ठीक है।
और जो उनके साथ में हैं, जो उनके साथ में वीडियो में आते हैं, वो भी उनको फुल सपोर्ट करते हैं। मतलब आप समझो, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि सारी चीज़ें पहले मतलब लिखी जाती हैं, जैसे बोलते हैं ना स्क्रिप्टेड हो, पहले सारी चीज़ें लिखी जाती हैं, प्लान की जाती हैं, और उसके बाद में फिर कैमरे के सामने आके और वो सारी चीज़ें मतलब वो करना कि हाँ ये मतलब कितनी बड़ी कलाकार है। आप समझ सकते हो कि पायल को पहनने को लेके इतना बड़ा इतना बड़ा ड्रामा हुआ। नहीं नहीं मैं नहीं पहनूंगी, नहीं पहन लो, नहीं 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 पहनूँ, रोना धोना इतना मतलब इतना इमोशनली लोगों को अटैच किया अपने साथ में कि क्या ही बताया जाए, ठीक है। और उसके बाद में फिर वो पायल पहना गया, उसके बाद में चूड़ी पहनी गई, तो वो सब वीडियो भी आप लोगों ने देखा ही होगा, खैर मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और मुझे कसम से ऐसे लोगों पर इतना गुस्सा आता है ना, जो दूसरों के इमोशंस के साथ में खेलते हैं और किसी का घर बर्बाद करते हैं। आपने जो किया, चलो आपने ऑडियंस के दिमाग को पढ़ लिया था, आपने व्यूअर्स के दिमाग को आपने पढ़ लिया था, आपने समझ लिया था कि किस टाइप की वीडियो में बनाऊंगी चलेगा, सही बात है, तो वो वहाँ तक सारी चीज़ें ठीक थी। लेकिन ये जो चीज़ें आपने करी हैं, है ना, मनीषा और सचिन के लाइफ में घुस के जो चीज़ें आपने करी हैं, वो आपको नहीं करना चाहिए था। मैं ये मानती हूँ कि किसी भी, चाहे वो जेंट्स हो लेडीज हो, अकेले रहना मुश्किल होता है, ये मैं मानती हूँ, और हर इंसान को पार्टनर की ज़रूरत होती है, ये भी मैं मानती हूँ। लेकिन आपको सचिन ही मिला था जो शादीशुदा था दुनिया में, और कोई नहीं मिला था आपको, और कोई नहीं बचा था मतलब आपको चूज करने के लिए, या फिर आप मतलब किसी को आप पसंद नहीं आई, आपको सचिन ही क्यों पसंद आया, मेरा ये कहने का मतलब है, जो पहले से ही शादीशुदा है। आप तो संस्कारी बनते हो ना, आप तो बहुत ज़्यादा संस्कारी बनते हो, आप तो अपनी बातों में इतनी मिठास रखते हो, है ना, आपके बातों में ऐसा लगता है कि आप सबका भला ही चाहते हो, मतलब आप देवी हो, आपकी बातों से आप ये जताना चाहते हो, हालांकि जताना चाहते हो, हकीकत नहीं है, पर आप ये जताना चाहते हो कि आप देवी हो, आप सबके लिए भला सोचते हो, माता रानी से आप आशीर्वाद मांगते हो सबके लिए। अभी छठ पे आपने वीडियो बनाया, आपने सबकी गोद भरने की बात करी कि माता रानी छठ मैया सबकी गोद भरे, और ये है आपकी सच्चाई। कितने संस्कारी बनते हो, आपने अपने वीडियो में ये दिखाया कि मेरा पैर छूते हैं सब, मेरे को जो मेरे से बड़े हैं वो लोग भी मेरा पैर छूते हैं। तो देखो ऐसा होता है कि लड़कियां जो होती हैं ना, जो मायके के लोग होते हैं ना, तो लड़कियों से पैर नहीं छुआते, उनका पैर छूते हैं। इसमें आप देवी नहीं बन गई, आप पूजनीय नहीं बन गई, मतलब आपने माँ दुर्गा का स्थान नहीं ले लिया, आपने माँ सरस्वती का स्थान नहीं ले लिया। ये हमारे कल्चर का एक हिस्सा है कि लड़कियों से पैर नहीं छुआया जाता, उल्टा लड़कियों का पैर छुआ जाता है। इस बात को आपने अपने ऊपर इतना ज़्यादा वो कर लिया कि मैं देवी हूँ, और मेरी रियलिटी तो आपको पता थी कि आप क्या हो, लेकिन आपने कैमरे के सामने इस तरीके से लोगों को जताया कि आप देवी हो, आप पूजनीय हो, मतलब आप इतने ज़्यादा संस्कारी हो, आप इतने ज़्यादा मतलब क्या ही बोले, कि इस तरीके से आपने ऑडियंस को गुमराह किया। मतलब ऐसे लोग हैं ना कि रिश्तों को बदनाम करके रखा हुआ यार, सच में। मतलब भैया बनाते बनाते आपने सैया बना लिया, भैया के आड़ में सैया वाला गेम खेलते रहे आप। और लोगों को भी ये समझना चाहिए था कि अपने भाई से कोई इतना लिपटता चिपटता नहीं है एक एज के बाद में। गले लगना वो अच्छी बात है, ठीक है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ। आप फिर काफ़ी लोग यहाँ पे आ जाएंगे ये बोलने के लिए, या फिर कमेंट करें ना करें, पर वो सोचेंगे कि कितने ज़्यादा नैरो माइंडेड है ये। नैरो माइंडेड नहीं होते हैं ऐसे लोग, जो थोड़े अपने सीमित रहते हैं, जो लिमिट में रहते हैं, जो अपने संस्कार से जुड़े रहते हैं, ठीक है। हक करना अच्छी बात है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, गले लगना अच्छी बात है, लेकिन वो चीज़ एक भाई बहन का पवित्र रिश्ता वो दिखता है। लेकिन आप जो गले लग के रोते हो, जो आप गले लग के जो मतलब चीज़ें दिखती हैं आपकी आंखों में ना, वो लोग पढ़ते हैं और समझते हैं, ठीक है। मैं तो अब इस टेंशन में हूँ ये सारी बातें सामने आने के बाद में, जैसे कि मनीषा ने अपने वीडियो में सारी बातें क्लियर करी हैं कि डिवोर्स तक भी बातें आ गई थी, सिर्फ और सिर्फ नेहा आशीष तिवारी की वजह से। नाम भी लिया है, नेहा आशीष तिवारी के बारे में नाम भी लिया है, तो इसलिए भी मैं खुल के नाम ले रही हूँ। और ये सोच रही हूँ कि अब आप कैसे ऑडियंस का सामना कर पाओगे, अपने व्यूअर्स का सामना कर पाओगे, क्योंकि अब तो सारी बातें सामने आ चुकी हैं,
अभी तक तो आपने सचिन को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर रखा था, है ना, इतना कंट्रोल कर रखा था कि ना पति पत्नी को आप रील्स बनाने देते थे, वीडियोस बनाने देते थे, आप मना करते थे फ़ोन करके, सचिन को मना करते थे कि आप मनीषा के साथ में वीडियो मत बनाओ। भाई कौन बहन ऐसा करती है भाई, मेरे को कोई बताएगा कौन बहन ऐसा करती है कि अपने भाई को मना करे कि आप अपने पत्नी के साथ में वीडियो मत बनाओ, अपने रील्स मत बनाओ, उनके साथ मत रहो। आपको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है उनके वीडियो बनाने से, उनको कैमरे के सामने देखने से, आप समझो कि आपने कितना कंट्रोल किया होगा कि पिछले 1.5 साल में जो रिश्ता पति पत्नी का होना चाहिए, समझ रहे हो, तो क्या उनके बीच कायम हुआ होगा? आपने इस तरीके इस हद तक कंट्रोल किया सचिन को, और अपने आप को सती सावित्री बताते हो, अपने आप को ये बताते हो कि मैं सती सावित्री हूँ, और उसमें भी आपका परिवार का फुल सपोर्ट रहता है, दिखता है कि आपका परिवार भी कितना ज़्यादा, और यहाँ मनीषा का भी दिखता है, उसकी परवरिश, उसका संस्कार है ना, कि कितने अच्छे संस्कार हैं उसमें, कितनी अच्छी उसको परवरिश मिली है उसके माँ बाप की तरफ से, और मतलब कितना अच्छे माहौल में वो पली बड़ी हुई है। इतनी बड़ी बात पिछले 1.5 साल से मनीषा ने अपने अंदर दबा के रखा, छुपा के रखा, कभी कुछ नहीं बताया, रोती थी, चुप हो जाती थी, पर ऑडियंस ने पढ़ा, उसकी आंखों को पढ़ा, उसके चेहरे को पढ़ा, काफ़ी कमेंट्स भी लोगों ने किए कि आप पहले जैसे नहीं दिखती हैं, आप खुश नहीं हैं, आपकी आंखें सूजी हुई हैं, आप रोए हो क्या, दिखता है हर चीज़। देखो वीडियो बनाना जो यूट्यूब पे है उनका काम है, वो वीडियो बनाते हैं, पर जो हम दिखाते हैं और जो हम बताने की कोशिश करते हैं ना, तो कई बार ना ऑडियंस जो सच्चाई होती है वो पढ़ लेती है, जो देखने वाले व्यूअर्स हैं ना, वो जो सच्चाई होती है वो पढ़ लेती है। तो काफ़ी सारे वीडियो में उनके कमेंट होते थे कि आप पहले जैसे नहीं दिखते हो, खुश नहीं दिखते हो, आपके आँखें हमेशा सूजी रहती हैं, पर वो लड़की ने कभी कैमरे के सामने आके आंसू नहीं बहाए, मतलब कभी आंसू नहीं बहाए, कैमरे के पीछे रोना, अपने दिल की बात को दबा के रखना, कैमरे के सामने नहीं बोलना, मतलब हैट्स ऑफ है मनीषा आपको, सच में इतना पेशेंस तो किसी में भी नहीं होता, इतना पेशेंस ना किसी में भी नहीं होता। आप तो सिर्फ 24 साल के हो, जैसा कि आपने अपने वीडियो में बताया कि आप सिर्फ 24 साल के हो, और आपने इतना पेशेंस दिखाया पिछले 1.5 साल में, आपने कुछ भी नहीं बताया, सारी चीज़ें अपने अंदर दबा के रखी, और सिर्फ इसलिए कि दोनों घर की इज्जत बची रहे और चीज़ों को कवर किया जा सके, क्योंकि अगर आप अपने तरफ से कुछ नहीं बताते हो तो चीज़ों को ढक सकते हो, कवर कर सकते हो, और उन्होंने कोशिश करी पिछले 1.5 साल में कि सारी चीज़ें सुलझ जाएं, सारी चीज़ें ठीक हो जाएं, और ठीक हो जाएं तो फिर बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़े, है ना। सारी चीज़ें अगर अच्छी हो जाती हैं तो भले वो लोग अंदाज़ा लगाते रहें तो उसको हम कवर कर सकते हैं, पर उनको ऐसा लगा कि सारी चीज़ें अब ठीक नहीं हो रही हैं, तो इसलिए उन्होंने कल आके वीडियो में अपने सारी चीज़ें का खुलासा किया है और सारी चीज़ें बताई हैं। पर यहाँ बहुत पेशेंस वाली लड़की हैं, बहुत ज़्यादा पेशेंस वाली लड़की हैं, क्योंकि मात्र 24 साल की लड़की हैं, और आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा मेच्योरिटी इनमें है। और ये निहार आशीष तिवारी जो कि 40 साल की हैं, मतलब जैसा कि उन्होंने उनके भाई ने बताया कि 32 साल की थी तो उनके साथ ये मिसहैपनिंग हुई थी, जो उनके पति इस दुनिया से चले गए थे, तो लगभग 40 साल की तो होंगी, ठीक है। और उसके बाद उनका ये समझ सकते हो, आपकी एक लड़की है, ठीक है, आपकी एक खुद की लड़की है, आप बोलते हो कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जो आगे चल के मेरी लड़की मेरा वीडियो देखे मैंने देखा था वो वीडियो मैंने देखा था, जो आप कह रही थी कि मैं ऐसा कोई भी वीडियो, मतलब मैं अपने लाइफ में ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगी जो आगे चल के मेरी लड़की को शर्मिंदा होना पड़े या उसको लोगों का ऐसा सामना करना पड़े कि तुम्हारी माँ ऐसी थी वैसी थी, जो भी था, अब कैसे सामना करेंगी आपकी लड़की। उनका तो चलो आने वाला जो समय है वो अभी बाकी है, आप कैसे सामना करोगे, क्योंकि सारी सच्चाई तो बाहर आ चुकी है, सब कुछ बाहर आ चुका है, तो आप अब कैसे अपने ऑडियंस का, अपने सब जो आपके व्यूअर्स हैं उनका सामना आप कैसे करोगे,
क्योंकि अभी तक तो उनके फैमिली मेंबर ने कुछ भी नहीं बोला था, तो आप खेले जा रही थी, बहुत अच्छे से खेले जा रही थी, है ना। लेकिन अभी तो सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं, आपके रिश्ते के बारे में सब कुछ क्लियर हो चुका है, तो आप अपने व्यूअर्स का सामना कैसे करेंगे, आप कैसे सती सावित्री का ढोंग रचाएंगे। आपका नकाब तो सती सावित्री वाला उतर चुका है, क्योंकि ये तो कहीं से भी जो चीज़ें सामने आई हैं उसको देख के कहीं से भी नहीं लगता कि ये भाई बहन का रिश्ता था। आप बताओ आपने अपने, अच्छा चलो मेरे को हंसी आ रही है भगवान कसम, स्नेहा आशीष तिवारी पे इतनी हंसी आ रही है ना, ये गुस्से वाली हंसी है, समझ रहे हो। आपने अपने भाई को क्यों नहीं रोका, अपने भाभी के साथ रील्स बनाने के लिए, शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए, वीडियोज़ बनाने के लिए क्यों नहीं रोका, सचिन को क्यों रोका। आप तो ये बताते हो ना कि वो आपका भाई है ना, तो आप अपने भाई को क्यों नहीं रोका कि भाभी के साथ वीडियो मत बनाओ, भाभी के साथ रील्स मत बनाओ, क्यों नहीं रोका। क्योंकि भैया के आड़ में आप सैया वाला गेम खेल रहे थे, आपको सैया वाला सब कुछ मिल रहा था, है ना। तो आपको बहुत ज़्यादा चिढ़ मच रही थी मनीषा के साथ में सचिन अगर होते थे तो, आपको जलन हो रही थी, जबकि आप तो उनके लाइफ का कोई हिस्सा भी नहीं थे उनके लाइफ का कहीं से भी कोई हिस्सा नहीं थे, तब आपको इतनी ज़्यादा जलन हो रही थी मनीषा सचिन को साथ में देख के, हैं। आप सोचो कि मनीषा ने कितना पेशेंस दिखाया है, उसको कितनी उसको कितना बुरा लगना चाहिए, हैं, उसको कितना बुरा लगना चाहिए। आप ये सोचो, डेढ़ साल के रिश्ते में आप मनीषा को सचिन के साथ देखना नहीं चाहते हो, डेढ़ साल के रिश्ते में, और पिछले आई थिंक 6-7 साल हो गए होंगे उनके शादी को, और वो लड़की आपको बर्दाश्त करती रही और चुप रही, समझ। बारे वाह, क्या नेहा आशीष तिवारी, मतलब आपका नकाब उतर चुका है और पर्दाफाश हो चुका है, ठीक है, पर्दाफाश हो चुका है। आप समझो कि जो इंसान 6-7 साल से रिश्ते में है, पति पत्नी का रिश्ता है, वो इंसान इतना पेशेंस दिखा रहा है, इतनी समझदारी दिखा रहा है कि वो चुप है, वो कुछ नहीं बोल रहा है, और उसका उसके पति पे कंट्रोल नहीं है, लेकिन आपने क्या कर दिया कि डेढ़ साल में उसके पति को ऐसे कंट्रोल कर लिया कि उसको मना कर दिया कि रील्स मत बनाओ इनके साथ, मनीषा के साथ वीडियो मत बनाओ। वो आदमी मान भी गया, आपका भाई मान भी गया, वो मान भी गया, वो काफ़ी लोग इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं कि काफ़ी महीनों से मतलब मनीषा और सचिन का वीडियो साथ में नहीं आ रहा है, आपने इतना कंट्रोल कर लिया डेढ़ साल के रिश्ते में, मानना पड़ेगा आपको, मानना पड़ेगा। आशीष नाम का सहारा लेके, सिंपति गेन कर करके, सिंपति लोगों से बांट बांट के, आंसू बहा बहा के, हर फंक्शन में जाके आंसू बहाना आपको, है? क्या क्या था ये सब, क्या था। मतलब हम किसी के फंक्शन में जाते हैं तो हम इंजॉय करते हैं, और ना कि मतलब आपको किस बात की वहाँ पे कमी मच रही थी, किस बात का प्रॉब्लम हो रहा था कि हर किसी का फंक्शन आप आंसू से बिगाड़ रहे थे, और आप अपने शब्दों में बताते हो कि मैं हर किसी का भला चाहती हूँ, भगवान से मैं प्रार्थना करती हूँ कि हर इंसान अपनी लाइफ में सुखी रहे, खुश रहे, हा? हर इंसान तो खुश रहेगा ही उनके नसीब पर, आपने आप जिसके साथ जुड़े हो ना, सिर्फ उनका ही भला चाह लो ना, उतना ही काफ़ी है। जिसके साथ में आप जुड़े हो उनके लिए अच्छा सोच लो, उनके लिए भला चाह लो, उनके लिए भगवान से प्रार्थना कर लो ना, तो वही काफ़ी है, ठीक है। और इस औरत पे तो मुझे पहले से ही शक था, बाय गॉड में बता रही, पहले से ही शक था। जैसा जैसा इनका मतलब देखो, जैसा कि मैंने बताया कि जो देखने वाले ऑडियंस है ना, बेवकूफ़ नहीं है, पर हम कभी कभी वीडियो इसलिए भी देखते हैं ना कि हाँ भाई क्या चल रहा है, ऐसा करके भी देखते हैं, भले हमने सब्सक्राइब किया हो ना किया हो, और हमें उनमें इंटरेस्ट हो ना हो, लेकिन हम ये भी कई बार इस तरह चक्कर में हम वीडियो देख लेते हैं कि आखिर इनके वीडियो में है क्या जो लोग देखते हैं। कई लोग मेरे से रिलेट कर पाएंगे इस चीज़ को लेके, इसलिए भी हम वीडियो देखते हैं कि इनके वीडियो में ऐसा है क्या
जो लोग इतना भर भर के देखते हैं, व्यूज जाते हैं, इस चक्कर में भी हम वीडियो देख लेते हैं। लेकिन सच में यार, सच में भाई बहन के रिश्तों को आपने तार तार कर दिया बहुत। इसीलिए आज के ज़माने में ना कोई किसी को भरोसा नहीं करता है, समझे? क्योंकि भरोसा करने जैसा रिश्ता बच ही नहीं गया है। आप देखो, 1.5 साल से आपने भैया बनाते बनाते अंदर सैया वाला गेम खेलते रहे आप। लेकिन इसलिए यही रीज़न है कि कोई किसी को भरोसा नहीं करता है, करना भी नहीं चाहिए, करना भी नहीं चाहिए। मैं ये बोलना चाहूँगी कि आपको सचिन ही क्यों मिला था। आप सोशल मीडिया पर हो, अपने पर्सनल लाइफ में भी आप काफ़ी लोगों से मिलते जुलते होंगे, तो आपको और कोई पसंद नहीं आया? सच्ची नहीं पसंद आया जो कि पहले से ही शादीशुदा है? और ऊपर से आप बोलते भी हो, है ना, जैसे कि वो वीडियो वायरल हुआ था ना कि तेरे पति में ऐसा है क्या जो मैं उसके पीछे आऊँगी, तेरे कॉलेज में इतने लड़के नहीं जितने कि नेहा आशीष तिवारी से शादी के लिए मरते हैं, है ना? तो जब सचिन में ऐसा है ही कुछ नहीं, तो फिर क्यों पीछे पड़े रहे आप? पीछे पड़े रहे क्यों उनके शादीशुदा ज़िंदगी में आग लगाई आपने? उनकी शादीशुदा ज़िंदगी को बर्बाद किया आपने? जब ऐसा कुछ आपको दिख ही नहीं रहा था सचिन में, तो आप फिर क्यों इतना इंटरेस्ट ले रहे थे? फिर क्यों मना कर रहे थे कि आप साथ में वीडियो नहीं बनाओ? उसके पति में ऐसा कुछ नहीं था, सचिन में ऐसा आपको कुछ नहीं दिखा, है ना? जैसा कि आपने धमकाया मनीषा को फोन पे, वीडियो कॉल पे, जो वीडियो सबने देखा हुआ, ऑलमोस्ट सबने देखा हुआ, जो आप बोल रहे थे कि तेरे पति में ऐसा है ही क्या जो मैं उसके पीछे पड़ूंगी, है ना? तो आप फिर क्यों मना करते रहे कि आप मनीषा के साथ वीडियो मत बनाओ, आप उनके साथ क्यों? आपको इतनी जलन की? मेरा ये कहने का मतलब, कौन सी बहन अपने भाई भाभी के साथ में होने से जलेगी? वो सौतन होती है, ठीक है, वो सौतन होती है, और आप हो सौतन, ठीक है? कोई बहन अपने भाई भाभी को साथ में देख के इस तरीके से रिएक्ट नहीं करती है, इस तरीके से मना नहीं करती है कि आप साथ में वीडियो मत बनाओ, आप साथ में रहो ही मत। कौन बहन ऐसा चाहेगी? ऑडियंस समझदार हैं और वो समझती है सारी चीज़ों को। और आप ये भी बोलते हो कि मेरे जो व्यूवर्स हैं इतने ज़्यादा समझदार हैं, इतने ज़्यादा मैच्योर हैं कि आपके वीडियो पे कोई नेगेटिव कमेंट नहीं आते हैं। सही बात है, नहीं आते हैं नेगेटिव कमेंट। अब आपने क्या सेटिंग कर रखी हो तो आपको ही पता है। और दूसरी बात कि आते ही ऐसा तो है नहीं कि 100% जो लोग हैं आपको देखने वाले सब आपको सपोर्ट ही करते होंगे, आपको पसंद ही करते होंगे। नेगेटिव कमेंट आते भी होंगे तो आप डिलीट कर देते होंगे, या फिर सेटिंग वेटिंग ऐसा कर रहा होगा जो नहीं दिखते हैं नेगेटिव कमेंट, ठीक है। और क्या ही बोलूँ मैं, दूसरे के वीडियो पे लोग जाके आपके बारे में नेगेटिव कमेंट करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपकी सेटिंग ऐसी होगी, जो भी होगा, जो भी रीज़न होगा, ठीक है। लेकिन आपने ऑडियंस को बहुत अच्छे से बेवकूफ़ बनाया और उनके माइंड के साथ में खेला, उनके इमोशंस के साथ में आपने खेला, उनके खूब फ़ायदा उठाया आपने, अपने ऑडियंस का खूब फ़ायदा उठाया, भर भर के फ़ायदा उठाया आपने, ठीक है। और मैं मनीषा से बस यही बोलना चाहूँगी कि आप स्ट्रांग बनो और अपने हक के लिए लड़ो, पीछे मत हटो, क्योंकि सोशल मीडिया पर जैसा दिख रहा है कि सब आपके साथ में हैं, सब आपके सपोर्ट में हैं, आप अकेले नहीं हो। देखो, कई बार ऐसा होता है ना कि जब अपना पति ही अपने अगेंस्ट हो, अपने खिलाफ हो, अपनी बात ना मान रहा हो, ना सुन रहा हो, किसी तीसरी औरत की, दूसरी औरत की बात सुन रहा हो, तो फिर हमें कहीं ना कहीं मतलब बात समझ में नहीं आती कि हम कैसे अपनी बात ऑडियंस तक पहुंचाएं, या कौन मेरी बात को सच मानेगा, कौन मेरी बात को भरोसा करेगा, नहीं करेगा, ऐसा होता है। और फिर हम जब पति ही नहीं बात मान रहा है, आप समझ सकते हो कि जब पति ही उनके खिलाफ है, तो फिर ऐसा होता है कि पता नहीं कौन मेरा सपोर्ट करेगा, कौन मेरा साथ देगा, नहीं देगा। ससुराल वालों की बात कर रही हूँ कि ननद है, सास है, देवर है, देवरानी है, या जो भी आपके ससुराल के रिश्ते हैं, तो जब पति ही आपके खिलाफ है, तो फिर कहीं ना कहीं मन में ये भी शक चलता रहता है कि अगर मैं अपने लिए आवाज़ उठाऊँ, अपने लिए खड़ी हूँ, तो पता नहीं कौन मेरा साथ देगा या नहीं देगा। पर मैं यहाँ पर ये बोलना चाहूँगी कि
बेटा अगर गलत है तो बेटे के खिलाफ हो, अगर बहू गलत है तो बहू के खिलाफ हो। और ससुराल वालों की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, कि आप ये मत देखो कि मेरा बेटा है तो गलत है तो भी मैं उसका ही सपोर्ट करेंगे, मतलब ससुराल वाले, कि अगर वो मेरा बेटा है तो हम उसका ही साथ देंगे, उसका ही सपोर्ट करेंगे, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखो एक लड़की तो ऐसे ही सब कुछ झेल रही है, ऊपर से उसका ससुराल वाले उसका साथ ना दें, उसको सपोर्ट ना करें, तो वो तो और समझ सकते हो ना उसकी मेंटल स्थिति क्या हो सकती है। तो इसलिए उसका साथ देना चाहिए, और ससुराल वालों जो भी हैं यानी ससुराल जो भी होते हैं उनका साथ देना चाहिए, और उनके हक के लिए उनके साथ लड़ना चाहिए, ससुराल वालों को साथ देना चाहिए मेरे हिसाब से कि साथ देना चाहिए। और तो मुझे यहाँ पे जो मनीषा की सासू माँ हैं वो साथ देते हुए दिख रही हैं, जो कि अच्छी बात है, देना चाहिए साथ। क्योंकि एक लड़की देखो वैसे भी अकेले हो जाती है जब उसका पति साथ उसका नहीं देता है तो, और उसके बाद में फिर ससुराल वाले भी कहीं ना कहीं ये सोचने लगते हैं कि मेरा बेटा है, अच्छा है बुरा है जैसा भी है हम उसका ही साथ देंगे, तो ये नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी जो अप्सरा मॉम हैं जिनका खुद का भी एक चैनल है जो मनीषा की सासू माँ हैं, कि वो अपनी बहू का साथ दें और जो सही है उनका साथ दें। और यहाँ पे बताने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सही है, जिस तरीके की चीज़ें सामने आ रही हैं, जिस तरीके की चीज़ें हम देख रहे हैं, तो उससे पता लगता है कि कौन सही है। तो आप सही का साथ दें, और बड़ों का यही फ़र्ज होता है, देखो घर में जो बड़े होते हैं ना तो उनका यही काम होता है कि बच्चे अगर राह से भटक गए ना तो उनको राह पे लाना, सही राह दिखाना, उनको समझाना और सारी चीज़ों को ठीक करना, यही काम, मतलब यही चीज़ होता है। तो ये चीज़ जो बखूबी मुझे लग रहा है कि जो मनीषा की सासू माँ है वो कर रही हैं, तो बस यही भगवान से प्रार्थना है, वो दिखावे वाला प्रार्थना नहीं है नेहा आशीष तिवारी की तरह, वो दिखावा वाला नहीं है। दिल से मेरी ये दुआ है कि मनीषा की जो शादीशुदा लाइफ है बहुत अच्छी हो, और सचिन को अक्कल आए, बुद्धि आए, माता रानी सद्बुद्धि दें सचिन को, कि अपना जो शादीशुदा जिंदगी है अपने घर गृहस्थी को आगे बढ़ाए, ठीक है, और सारी चीज़ें अच्छी हो जाएं, भगवान करे कि माता रानी करे कि सारी चीज़ें इन लोगों के बीच सब कुछ अच्छा हो जाए और हंसता खेलता परिवार हो जाए। और मुझे तो यही नहीं पता चल रहा है कि सचिन को वो नेहा आशीष तिवारी में दिखा क्या, क्योंकि मनीषा भाई बड़ी इतनी सुंदर है और इतनी मैच्योर है, आप समझ सकते हो कि मतलब कहीं से किसी चीज़ में कमी नहीं है मनीषा। और वो जो नाक टेढ़ी, आँखें टेढ़ी, पता नहीं क्या ही दिखा, मतलब एक होता है ना कि चलो अपनी बीवी सुंदर ना हो तो किसी की तरफ हम अट्रैक्ट हो जाते हैं, एक अट्रैक्शन हो जाता है, मतलब जो भी चीज़ें हैं कि उनकी सुंदरता पे हम मर मिटे, वो चीज़ें होती हैं। पर नेहा आशीष तिवारी कहाँ से महिषा के मुकाबले, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो सुंदर नहीं है, ये मैं नहीं बोल रही हूँ कि नेहा आशीष तिवारी सुंदर नहीं है, मैंने ऐसा नहीं बोला है, पर मनीषा के मुकाबले वो सुंदर नहीं है, मनीषा उनसे ज़्यादा सुंदर है और उनसे ज़्यादा मैच्योर है, उनसे ज़्यादा समझदार है, ठीक है। तो मैं ये बस कहना चाह रही हूँ कि ये मनीषा काफ़ी सुंदर है, काफ़ी मैच्योर है, काफ़ी समझदार है, और इसीलिए 1.5 साल तक इन सारी चीज़ों को बाहर नहीं आने दिया, अपने दिल में दबा के रखा, सारी चीज़ों को बस घुटती रही, रोती रही, लेकिन कैमरे के सामने नहीं आने दिया। तो आप समझ सकते हो नेहा आशीष तिवारी कि आपसे कई गुना ज़्यादा वो मैच्योर है, कई गुना ज़्यादा वो सुंदर है, कई गुना ज़्यादा वो आपसे आगे हैं हर चीज़ में। आप 40 साल के हो, लगभग 40 साल के हो, और मात्र 24 साल की हैं लड़की, फिर भी आपसे काफ़ी ज़्यादा समझदार हैं वो, ठीक है। आपने समझदारी दिखाई है, लेकिन आपने ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाने की समझदारी दिखाई है। चलिए अब सब कुछ तो खुलासा हो चुका है, और जैसा कि मैंने बताया कि मैं ऐसे टॉपिक पर वीडियो नहीं बनाना चाहती हूँ, ना मुझे पसंद है ऐसे टॉपिक पर वीडियो बनाना, बट मैं मनीषा को बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, और जैसा कि मैंने बताया कि उनकी वजह से ही वीडियो देखती हूँ, इसलिए भी मैंने वीडियो बनाया कि मनीषा बहुत ज़्यादा दुखी दिखी कल वीडियो में अपने, और बहुत ज़्यादा परेशान दिखी, तो मुझे लगा कि मुझे मतलब इस टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहिए। देखो उनका
जो भी है और जो व्यूवर्स हैं जो कमेंट करते हैं वो करते हैं कमेंट, लेकिन जिसके लाइफ में जो चीज़ें होती हैं ना तो उनको उस हिसाब से ही हैंडल करना होता है और जो भी है उनको उस हिसाब से वो सारी सिचुएशन को समझना होता है, करना होता है। ऑडियंस तो जो देखती है वही समझ पाएगी और वही सारी चीज़ें, लेकिन जो चीज़ें दिखती हैं उससे कई गुना हट के भी चीज़ें होती हैं बिहाइंड द कैमरा, तो वो चीज़ है। तो वो तो मनीषा को ही सारी चीज़ों को मतलब मजबूत बन के संभालना होगा और अपने लिए स्टैंड लेना होगा, जो भी उनको सही लगता है कि जिस तरीके से सारी चीज़ें सही हो सकती हैं कुछ भी करके। मैं अभी यहाँ पे ये नहीं बोलूँगी, अब जैसे भी मनीषा को लगता है कि जिस भी तरीके से कुछ भी करके जो भी करके ये सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं और सारी चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं, वो मनीषा को करना चाहिए और उनका साथ उनके ससुराल वालों को देना चाहिए। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी।